Assalamualaikum. We discussed about modern theories of management. We will restrict our class for today till 2 o'clock. I know, so 2 baje off kar denge taaki juma hame easily apna jo hai wo mil jaye kahin na kahin. Inshallah 2 baje I'll off the class. Theek hai ji? बल्कि उससे 5-7 मिनट पहले ही कर लेंगे ताकि आप लोग आसानी से उसे मैनेज कर सकें. जुम्मे को ना फिर क्लास का टाइम हम 1 से 2 ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए आगे पीछे टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा अपना इशू है. तो इंशाल्लाह हम फिर 2 से पहले पहले क्लास को वाइंड अप कर देंगे. आज वैसे भी हमने सिर्फ एक माइन्यूट सा आखिरी टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स. इसमें बहुत सारे स्किल्स तो ऐसे हैं जो हम आगे जाके मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एंड देर आर सो मैनी स्किल्स विच आर इम्पॉर्टेंट. और इसमें से जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर के अंदर अभी सितंबर की अटेम्प्ट में. मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस ट्रिगर करने के लिए एक तो चीज होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. आपको पता हो कि मैनेजमेंट होती क्या है, वट मैनेजमेंट इज, हाउ डज मैनेजमेंट वर्क. एंड सेकेंडली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन वी टॉक अबाउट the overall process of management, there are certain skills, कुछ skills होते हैं जो लोगों को acquire करने होते हैं. I'll try to उससे पहले यार wind up कर दूँ Adil, और next Friday से हम इसका फिर कुछ time का हिसाब किताब लगा लेते हैं, क्योंकि मैं actually ना 12 से एक class पढ़ा के आता हूँ पीछे 55 team है BMBS की. तो let's see इसका चले 130 पे, आज फिर इसको 130 तक कर लेते हैं, ठीक है. और कल इंशाल्लाह फिर हम जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है जी. सो टुडे वी विल रिस्ट्रिक्टेड बाय 130, और कल इंशाल्लाह टाइम थोड़ा सा फिर इसको ज़्यादा दे देंगे. नेक्स्ट वीक का फिर कुछ प्लान करते हैं कि जुमे का हमने किस तरह मैनेज करना. अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेगोसिएशन, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं ये मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं. स्किल बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो एक्सपीरियंस से आप एक्वायर करते हैं. मैनेजमेंट प्रोसेस में का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आप बहुत सारे स्किल्स भी एक्वायर करते हैं, और जब तक आप उन स्किल्स को एक्वायर नहीं करते आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर सकते. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स अ मैनेजर मस्ट हैव. एक मैनेजर के पास किस किस्म के स्किल्स होने चाहिए और किस तरह वो उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है इन अ पॉजिटिव मैनर टू मेक सम गुड आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर हिमसेल्फ कलेक्टिवली. वो किस तरह उन स्किल्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकता है अपनी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ. इसमें वी हैव सर्टन स्किल्स जो हम आगे जाके चैप्टर में टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जैसे लीडरशिप के ऊपर हमारा 8 चैप्टर है, देन निगोसिएशन के ऊपर हमारा 10 चैप्टर है, ठीक है. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हम तकरीबन हर टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करते आए हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमारा 6 चैप्टर है, ठीक है. ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसमें हमने इन टॉपिक्स को बकायदा पढ़ना है. बाकी जो स्किल्स है, जैसे दिस इज अ वेरी कॉमन स्किल, कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबॉडी इन ऑर्गेनाइजेशन. इस स्किल के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वर्क विदाउट दिस स्किल. इसी तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग है आपकी. व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, व्हेन यू गैदर द इंफॉर्मेशन, तो आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का वो डिफाइन करता है कि आपने किस तरह से चीजों को मैनेज करना है. फिर इसके अलावा आपका इसके अंदर कोचिंग एंड मेंटोरिंग आ जाती है. लीडरशिप और कोचिंग, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, बोथ ऑफ देम वर्क साइड बाय साइड. एक अच्छा लीडर जो है वो एक अच्छा कोच भी होगा, एक अच्छा लीडर जो होता है वो अच्छा मेंटोर भी होगा, और ये तमाम चीजें इसमें काउंट होती हैं. अभी सितंबर अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन अपेयर हुआ था, दैट वॉज फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट. वो क्वेश्चन जो था वो था टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ मैनेजमेंट. हाउ टू मैनेज योर टाइम, की टास्क को डिफाइन करना, अर्जेंसी ऑफ वर्क को डिफाइन करना, अपनी ओवरऑल जो काम जल्दी करने वाले हैं उनको प्लान करना, मतलब बड़ी जेनेरिक बातें. द क्वेश्चन 5 नंबर का सवाल था, बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन था सितंबर 2015 की अटेम्प्ट में, बैरियर्स टूवर्ड्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. आपका जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस है उसे आप किस तरह हैंडल करते हैं. And that question was appeared in
the overall questions from the first chapter in September. टाइम मैनेजमेंट की तरफ जो मेन बैरियर्स होते हैं, द फर्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना, थिंकिंग टू मच टू लॉन्ग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं बिफोर यू मेक अ डिसीजन, इट यू नो लूजिस टाइम. इन इफेक्टिव डेलीगेशन, आप डू नॉट पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, मिस हैंडलिंग और एक्सेसिव पेपर वर्क करते हैं आप अननेसेसरी ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं जहां पे आपके जाने का कोई फायदा नहीं होता, आप प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाते. ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है टाइम मैनेजमेंट के फेल होने की, यू आर अनएबल टू सेट द प्रायोरिटीज. प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स थिंकिंग टू लॉन्ग बिफोर यू एक्चुअली मेक अ डिसीजन. मतलब आपने एक डाइन आउट पे जाना है, खाना खाने जाना है आपने किसी रेस्टोरेंट में, और अब आप सोचे जा रहे हैं कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, बट यू आर अल्टीमेटली नॉट बी एबल टू मेक अ डिसीजन दैट वेयर यू शुड गो. तो ये समझो कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन में आका आप जो है वो विक्टिम बन गए, और जब तक आप डिसीजन लेंगे आपकी भूख वैसे ही खत्म हो चुकी होगी. तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. सोचे जरूर, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, द प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू हैव टू प्लान फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, और एग्जीक्यूशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है. आप प्लानिंग करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन आप एग्जीक्यूट ना करें. इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, हम जो अपना टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैंने FAR 1 पढ़नी है, इतना 2 घंटे मैंने BMBS को देने हैं, ये आपने अपने हिसाब से आप टू लॉन्ग प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली पढ़ने बैठते हैं तो यू रियलाइज कि आपने सारा टाइम ही जाया कर दिया प्लानिंग के अंदर. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दे मस्ट गो साइड बाय साइड. अच्छी टाइम मैनेजमेंट जो होती है आपकी, ये आपकी स्लिपेज टाइम को कम कर देती है. हम एक टर्म यूज करते हैं स्लिपेज. स्लिपेज का मतलब होता है वक्त का जिया, वक्त जो आपके हाथों से फिसल जाता है ना, इसे हम स्लिपेज कहते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्लिपेज. दिस टर्म इज नोन एज स्लिपेज. स्लिपेज मीन्स समथिंग विच इज बींग. स्लिपेज को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप प्लान सेट करें, आप इफेक्टिवली डेलीगेट करें, आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें, अपना सेल्फ रिव्यू करें, आप चेकलिस्ट बनाएं. एक इस तरह की ना, हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, इसमें आप फिर डिफरेंट टास्क जो है वो लिख देते हैं, ये आपके डिफरेंट टास्क हैं, और आप फिर साथ साथ टिक करते हैं कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम आपका जो है वो नहीं हुआ, उसको आप डॉटेड कर देते हैं, जो काम हो गया उनको आप टिक कर देते हैं. तो ये आपका भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. ये आजकल के दौर में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम थीफ है, इसे हम टाइम थीफ कहते हैं. इट इज नोन एज टाइम थीफ, वक्त को चोरी करने वाला, समथिंग दैट स्टील योर टाइम, इसे हम टाइम थीफ कहते हैं. तो मोबाइल फोन बंद कर दिया करें अपने. एक होते हैं, अच्छा एक हम इसमें ना वर्ड यूज करते हैं, सर्जरी आवर्स. सर्जरी आवर्स का मतलब होता है क्रिटिकल टाइम आपका, ऐसा टाइम जिसमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है, और एक होता है आपका ओपन डोर टाइम. ओपन डोर टाइम क्या होता है? आप वेलकम करें लोगों को, गपशप भी लगाएं, आप लोगों के साथ बैठ के बातें शाते भी करें. ठीक है ना, सर्जरी आवर्स में देयर मस्ट बी नो डिस्टर्बेंस, देयर मस्ट बी नो डिस्टॉर्शन. जैसे आपके दिन में कम से कम 2 घंटे दफ्तर में ऐसे हो जो आपके सर्जरी आवर्स कहलाएं, उन 2 घंटों में मोबाइल भी साइड पे है, उन 2 घंटों में आपका ऑफिस में बाहर नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है, और आप कॉन्स्टेंटली फोकस जो के अटेंशन के साथ आप एक काम कर रहे हैं, इन्हें हम सर्जरी आवर्स कहते हैं. एक डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा होता है किसी मरीज की, तो जितना फोकस उसे रिक्वायर्ड होता है उतना ही फोकस आपको रिक्वायर्ड है. व्हेन अ डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अ पेशेंट, तो उसे जितना फोकस रिक्वायर्ड होगा उतना ही फोकस आपको रिक्वायर्ड होगा, ये सर्जरी आवर्स कहलाते हैं. तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. अच्छा, फिर हम 6th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट talking about stress management in the 6th chapter. और stress management के अंदर how to manage the stress, stress management is discussed in detail in the 6th chapter. में हम इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे. आगे आती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आजकल की मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है.
मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग दैट इज गोइंग टू टर्न देयर ओवरऑल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू आइडिया डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये तमाम चीजें जो है ये आपकी क्रिएटिविटी में आती है. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है ये मोनोटनी को तोड़ती है. इट ब्रेक्स द मोनोटनी. ये आपके बिजनेस में मोनोटनी को तोड़ती है. इट ब्रेक्स मोनोटनी. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ब्रेक्स मोनोटनी. एक काम आप एक ही तरीके से बार बार किए जा रहे हैं तो आप मोनोटनस हो जाएंगे. और उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए आपको फिर इनोवेट करना पड़ता है. इसमें फिर हम माइंड मैप्स की बात करते हैं. ये भी एक अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी का. मेंटल मैप, माइंड मैप बनाते हैं. फिर आप स्पेशलिस्ट लोगों को डेलीगेट करते हैं. ये भी एक स्किल है बड़ा इंपॉर्टेंट. और ये स्किल जो है मैनिफेस्ट का मतलब होता है समथिंग टू ग्रो ऑन, समथिंग टू कंपाइल ऑन. किसी चीज को जब आप कंपाइल करते हैं, किसी चीज को जब आप ग्रो करवाते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं. दैट इज नोन एज मैनिफेस्टेशन. किसी चीज को डेवलप करना, किसी चीज को ग्रो करवाना. जी जुम्मे के लिए हम टाइमिंग को थोड़ा सा अपडेट करेंगे. वो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह वर्कआउट कर रहा हूँ. एक्चुअली आई एम टोटली पैक्ड बिफोर एंड आफ्टरवर्ड्स. एक बजे मैं अपनी क्लास खत्म करके आता हूँ BMBS की 55T में, कैंपस में, और राइट अवे आपके पास आ जाता हूँ. तो अगर जुम्मे को मैं इस क्लास को थोड़ा पीछे करूंगा तो उस क्लास को भी छेड़ना पड़ेगा. और उस क्लास को छेड़ने का मतलब है कि वो क्लास ऑलरेडी पैक्ड है. अच्छा, जुम्मे के बाद अगर हम टाइम लेके जाते हैं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं. मेरी क्लास होती है जगह पे. हम इसका कुछ अरेंजमेंट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से. इसका मैनेज करते हैं कुछ ना कुछ. वो मिस फाइजा के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको ना पैगाम पहुंचवा दूंगा कि फ्राइडे की क्लासेस को हमने कैसे मैनेज करना. सो मैनिफेस्ट का मतलब होता है ग्रो करवाना, डेवलप करवाना, बिल्ड करवाना. ठीक है, तो इनोवेशन को आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आप जो है वो ग्रो करवा सकते हैं. नया प्रोडक्ट ले आए, नई मार्केट को आप जो है, चले यार 130 भी ऑफ कर देगा दीर साहब, आपकी मान लेते हैं भाई. ठीक है, 130 भी ऑफ कर देगा. तो वी कैन ग्रो ऑन द न्यू मार्केट, वी कैन ग्रो ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, वी कैन ग्रो ऑन सम आइडिया, सम यू नो डेवलपमेंट इन देयर नेगोशिएशन. बहुत सारी चीजों पे आप इनोवेट कर सकते हैं. इनोवेशन एक्सपीरियंस से आती है, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से आती है, एक्सपीरियंस से, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग से आती है. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे 9th चैप्टर के अंदर. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप मुख्तलिफ दिमागों को एक जगह पे ले जाते हैं और आप उनको फिर आपस में मजबूर करते हैं कि वो आइडियाज को क्रिएट करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, आपस में दिमागों को झिझोड़ें. और जब आप जब लोग अपना दिमाग झिझोड़ते हैं तो आइडियाज आते हैं, उसमें से यूनिक कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं. देन वी हैव कम्युनिकेशन. फिर आती है हमारे पास कम्युनिकेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है. थ्रू आउट द बुक ये वाला स्किल इस्तेमाल होगा. अपना कॉन्सेप्ट किसी को समझाना, अपना कॉन्सेप्ट किसी को बताना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन. वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू हैव टू ट्रांसफर इट टू अदर्स, ताकि आप लोगों से बेहतर काम करवा सकें, आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकें, आप लोगों से प्लान स्ट्रक्चर अपने शेयर कर सकें, आप इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कर सकें, आप अपने रिलेशनशिप मैनेज कर सकें. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल के दौर में हम सर्व करवाते हैं कम्युनिकेशन से. एक रिसर्च हुई अमेरिका में एक रिसर्च हुई. उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने स्टडी किया कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी जॉब पे उसके कितने स्किल्स इस्तेमाल होते हैं. How many skills of a person are used at a particular workplace? Job जो है इसमें एक इंसान के कितने skills इस्तेमाल होते हैं, तो पता लगा कि जी 3 किस्म के skills एक job पे इस्तेमाल करता है एक बंदा. The first skill जो है वो उसका technical knowledge है, जिस काम के लिए उसे hire किया गया. The second skill is communication and the third skill is networking. The third skill is networking. वो social रिलेशनशिप जो है वो कितने अच्छे बनाता है. हाउ गुड सोशल रिलेशनशिप्स आर मैनेज्ड बाय द पर्सन. पता लगा कि एक इंसान की जो सैलरी है उसका सिर्फ 15% उसके टेक्निकल स्किल पे बेस करता है, जिस मकसद के लिए उसे हायर किया गया. और रिमेनिंग 85% जो है वो डिपेंड करता है उसके कम्युनिकेशन के ऊपर, उसकी नेटवर्किंग के ऊपर. सो इस हद तक ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है. दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट अप टू दैट एक्सटेंट कि आप की अर्निंग का, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस का बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपका डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. हाउ गुड यू कम्युनिकेट. तो मैनेजर जो है इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली. वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है, ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे आते हैं, ये है वर्टिकल कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड
ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये नीचे से ऊपर जाती है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है पीयर टू पीयर, दो दोस्त जो है वो आपस में बात करते हैं, दो कॉलीग्स आपस में बात करते हैं। एक होती है डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनली आप जो है वो कम्युनिकेट करते हैं मामलात को। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव एक प्रोडक्शन मैनेजर से अगर बात करें, सो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग कहते हैं एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स, और नेटवर्किंग के लिए जरूरी होती है कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग का मतलब होता है ये आपकी नेटवर्किंग है ना, दिस इज नेटवर्किंग। मैनेजिंग सोशल रिलेशनशिप्स, इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। मैनेजिंग सोशल रिलेशनशिप्स, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग। सो कम्युनिकेशन जो है ये आपने वैसे भी बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मॉड्यूल आपने पढ़ा है पहले एएससी में, उसमें इसको आपने काफी डिटेल से डिस्कस किया होगा, अपना रिपोर्ट राइटिंग और इसके अंदर आपकी लेटर राइटिंग और वो तमाम चीजें। अच्छा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी एक स्किल है मैनेजमेंट का। मैनेजर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैसे करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करता है। लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। हमने रोल्स पढ़े ऊपर मैनेजर, एक मैनेजर के भी डिस्कस द रोल्स ऑफ अ मैनेजर। हमने उन रोल्स में देखा एक मैनेजर जो है उसके जो बेसिक रोल्स है उसमें इंफॉर्मेशनल रोल्स आते हैं, मॉनिटर, डिसिप्लिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। अब अगर मॉनिटरिंग की अगर आप एग्जांपल लें रोल की, तो मॉनिटरिंग में मींस जब एक मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इदारे के लिए, तो वो ऑब्जर्व करेगा, वो सुनेगा, ही विल लिसन, वो इंटरव्यूज करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा जो है वो कंपनी में लेके आएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं। All of these are the tools to gather the information. हर टूल की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, हर टूल का अपना फायदा है, अपना नुकसान है। तो आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन सा टूल जो है वो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। इफेक्टिव लिसनिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रोसेस का इंटरेक्शन जो है वो समझ सकते हैं। इंटरव्यू से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एजेंडा को समझ सकते हैं। आप जॉब कैंडिडेट के इंटरव्यूज लेते हैं, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के इंटरव्यूज आप ले सकते हैं। इंटरव्यूज के लिए आप क्या करते हैं, आप यू कैन गो फॉर एन ओपन, अपना ओपन इंटरव्यू, यू कैन गो फॉर यू नो क्लोज क्वेश्चनर इंटरव्यू, ठीक है। आप एक इंटरव्यू को ओपन करें, आप उसके ऑब्जेक्टिव बताएं, फिर आप इंटरव्यू करें, फिर उसे आप क्लोज करें। ये प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, दिस इज अ प्रोसेस टू कंडक्ट द इंटरव्यू। इसी तरह क्वेश्चनर होते हैं जिसे आप सवालनामा कहते हैं, एक स्केल बना देते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर जैसे आप लोग अपना फीडबैक देते हैं कि जी 1 से 5 की स्केल पे बताएं कि आप इस क्लास से कितने सेटिस्फाइड हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 के ऊपर आप लेट सपोज एवरेज करें, या कोई जो है वो लेट सपोज कोई बिल्कुल सेटिस्फाइड ना हो, तो ये जो है ये आपका फिर एक क्वेश्चनेयर का तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का। इसमें हम स्केल ले आते हैं, वी टॉक अबाउट स्केल इन कलेक्टिंग द डेटा ऑन अ क्वेश्चनेयर, ठीक है। एक और स्किल है जी निगोसिएशन, बड़ा सिंपल सा स्किल है, इसमें भी हम आगे जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर में आएगा, इसे वहां जाके डिस्कस करेंगे। एक और स्किल है कोचिंग एंड मेंटोरिंग। ये कोच और मेंटोरिंग जो है ये इस्तेमाल करते हैं हम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, वी यूज दिस स्किल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। अच्छा, कोच में और मेंटोर में फर्क होता है, याद रखिएगा। कोच जो होता है ना ये किसी भी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और कोचिंग जो है ये शॉर्ट टर्म होती है। मतलब अगर आप देखें इस ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स मैं आपकी कोचिंग कर रहा हूं, आई एम डेवलपिंग अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सो दैट यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन योर एग्जामिनेशन। इसे कोचिंग कहेंगे। जैसे क्रिकेट कोच होता है, फुटबॉल कोच होता है। मेंटोरिंग जो है ये लॉन्ग टर्म होती है। मेंटोर जो होते हैं ये आपकी सोशल वैल्यूज को बिल्ड करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए, आपके अंदर ओवरऑल बिहेवियरल चेंजेस को लाने के लिए आप मेंटोरिंग लेते हैं लोगों की। कोचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है, मेंटोरिंग एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। यानी अगर इन 2 महीनों के दौरान अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी करूं, लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी लेके आऊं इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इखलाकी इकदार को अगर मैं आपकी यहां बेहतर करने की कोशिश करूं, तो फिर मैं मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ आपकी।
तो कोचिंग और मेंटोरिंग में फर्क होता है दैट कोचिंग इज स्पेसिफिकली अबाउट अ सर्टेन टारगेटेड नॉलेज अ स्किल और उसको आपने डेवलप करना होता है, जबकि जो मेंटोरिंग होती है ये लॉन्ग टर्म होती है। मेंटोरिंग जो होती है आपके लिए ये क्या काम करती है, अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेसिकली आप एडवाइजरी ले रहे होते हैं, यू आर बिल्डिंग अ ट्रस्टेड एडवाइजर, आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर जो है वो ले रहे होते हैं। हियर एक ऐसा बंदा जो आपकी रिपोर्टिंग लाइन का तो हिस्सा नहीं है लेकिन आप उससे सिर्फ मशवरे करते हैं, आप लोगों की एडवाइस लेते हैं, ट्रस्टेड एडवाइजरी जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है जी मेंटोरिंग का, करियर प्लानिंग में हेल्प करती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस ने तो बाकायदा मेंटोरिंग सेंटर बनाए होते हैं अपने इदारों में, उन्होंने वहां पे साइकेट्रिस्ट जो है वो रखे होते हैं, वो इंप्लॉइज के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए उनके पास बाकायदा टीम होती है साइकेट्रिस्ट की। एक मैनेजर अगर एक मेंटोर बनता है तो मैनेजर बड़ा अच्छा मेंटोर बन सकता है, मैनेजर कैन बी अ वेरी हेल्पफुल मेंटोर हु कैन मैनेज द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज। ये देख रहे हैं, मेकिंग द ओकेजनल अनसॉलिसिटेड कॉल टू द मेंटी, मेंटी जिसे मेंटोर किया जा रहा हो, मेंटी वो जिसे मेंटोर किया जा रहा हो और मेंटोर वो जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो आपको मशवरा दे रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है। तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो मेंटोर भी होता है, एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉइज की मेंटोरिंग भी करता है, उनके लिए वो सारा काम जो है वो करता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता है, मेंटोरिंग इज ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेंटोरिंग में आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट कराते हैं। और आखिरी इसमें जो हमारा फैक्टर है दैट इज लीडरशिप, ये भी एक स्किल है, ऑल ऑफ दीज आर द स्किल्स, इसमें भी हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, 8th चैप्टर आएगा। लीडरशिप इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का नाम है, इट इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द पीपल, ये हम 8th चैप्टर में जाके इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। किस तरह आप लोगों को डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि वो बेस्ट पॉसिबल यूज करें अपने नॉलेज का, अपने स्किल का। एक अच्छा लीडर जो होगा, लीडरशिप में दोनों स्किल आ जाते हैं, लीडरशिप के अंदर कोचिंग भी आ जाती है और इसके अंदर मेंटोरिंग भी आ जाती है। अ गुड लीडर इज अ कोच एंड अ मेंटोर एट द सेम टाइम, एक अच्छा लीडर जो है वो एक भी वक्त में अच्छा कोच भी होगा, अच्छा मेंटोर भी होगा, तो वो फिर एक कंप्लीट पैकेज कहलाएगा लीडरशिप का, ही विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ लीडरशिप। तो ये कुछ बुनियादी स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे सवाल आया पेपर में, ये मैं पास्ट पेपर लाया था आज डिस्कस करने के लिए लेकिन अब टाइम नहीं है, इसको इंशाल्लाह हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक पास्ट पेपर एनालिसिस जो है वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसको अगर मैं जूम करूं आपके लिए, दिस इज अ पास्ट पेपर एनालिसिस विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें टर्म बाय टर्म जैसे कैस एग्जामिनेशन स्प्रिंग ऑटम 2015 सितंबर का जो पेपर हुआ था सितंबर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था दिस वन, आइडेंटिफाई एनी 5 बैरियर विच इन योर ओपिनियन मे हैव बीन इंपेडिमेंट टू एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट इन जनरल इन जीई गोवर एंटरप्राइज। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 ए आया था, इसमें 2-3 टर्म्स थी हमारे पास आपका, इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन नंबर ये 5 ए पार्ट देखें तो इसमें आपको 2 टर्म्स नजर आएंगी, एक इसके अंदर टर्म है आपके पास गेम थ्योरी और एक इसके अंदर हमारे पास टर्म थी जनाब सिमुलेशन। Here. ये 2 टर्म जो है ये फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस की थी, उन्होंने क्या कहा था, यू वर बीइंग गिवन विद सर्टेन टर्म्स और अब आपने हर टर्म को मैच करना है हर सिचुएशन के साथ, तो 1 मार्क ईच 8 सिचुएशन थी और ये सिंपल प्लेट में सज के 8 नंबर आए थे आपके पास जिन स्टूडेंट्स ने इसको अगर एक्वायर किया हो। जी बिल्कुल, आपको मिल सकता है जी ना, ये आपकी ईमेल में आ जाएगा, ये आपके लिए ही बनाया मैंने और मैंने ये अपने लिए भी बनाया, दिस इज फॉर यू पीपल, इंशाल्लाह ये मिस के थ्रू आपको ईमेल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें फर्स्ट चैप्टर में से, ये क्वेश्चन आया था जनाब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, ठीक है जी, मैक्स वेबर, ये क्वेश्चन अपेयर हुआ जी सितंबर की अटेम्प्ट में, 6 नंबर का सवाल आया था मैक्स वेबर, आइडियल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको जरा डिटेल से करवाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपका भी फिर जुम्मे का टाइम हो रहा है। मार्च में देखिए क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, मार्च में सवाल आया था 8 नंबर का, सो
फ्रॉम डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ अ मैनेजर। हेनरी मिंट्सबर्ग के जो वो चार डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना था। ये 8 नंबर का सवाल था और ये आया था मार्च 2015 में। ठीक है, तो थ्योरी जो है वो अभी तक सिर्फ मैकग्रेगर की एक थ्योरी इसमें से आई है। ओनली वन थ्योरी हैज बीन इवैल्यूएटेड फ्रॉम मैकग्रेगर, सॉरी हेनरी मिंट्सबर्ग की भी आई थी, थ्योरी आई है हेनरी मिंट्सबर्ग की। ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स आए थी हेनरी मिंट्सबर्ग के थे। ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसे इंशाल्लाह हम डिटेल से दोबारा डिस्कस कर लेंगे कल, और कल हम फर्स्ट चैप्टर का एक क्विक रीकैप करके इसका हम एक टेस्ट स्केड्यूल कर लेंगे, और प्लस हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जनाब, अदील एंड फेयर यार। अच्छा, कल का जो क्लास टाइम है वो शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, वो मैं मिस फायदा के थ्रू आपको ना कम्युनिकेट करवा दूंगा। ठीक है, तो वो जो भी इंशाल्लाह टाइम होगा, मतलब कुछ हद तक इसमें ना सिर्फ कल के लिए ना एक टाइम थोड़ा सा आएगा, वेरी करेगा, तो वो काइंडली कल के लिए आप मैनेज कर दीजिएगा। मैं आपको कॉल कर देंगी टाइम फॉर टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सी यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you.